अभी बेडशीट चेंज करूँगी, तो सोच रही ये वाला कवर तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, ये वाला कवर लगाते हैं। बहुत सुंदर है, मुझे इस टाइप का फ्रिल वाला चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसके साथ आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला जो है ना इसके साथ मस्त मैचिंग हो रहा है, पूरा चेंज करते हैं। और मैं ना हमेशा पिलो कवर का, ये देखो वाइट है, अंदर मैं और एक पिलो कवर दे के रखती हूँ, जैसा इसमें भी वाइट था मैंने चेंज करके ये वाला दिया, मतलब कोई भी पुराना जो भी होता है, क्योंकि पिलो कवर दो दो चेंज करना ज़रूरी था। एक पिलो कवर में ना पिलो पूरा गंदा हो जाता है। ये इसमें भी वैसे ये वाइट खोल के इसी का ही और एक है वो दे दूँगी उसके Spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know. वो बड़ा वाला कुशन मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि उसमें निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो जिप है बहुत छोटा है, तो वो कल मैं करूँगी, आज बाहर भी जाना है, तो फटाफट फ्रेश होने से ना अच्छा लगता है। ये वाला जो है ना, ये मेरे पास कांथा तीन चार है, तीन है शायद कांथा, ये जो है ना कांथा स्टिच, ये मापसा गोवा मार्केट से लिया था ये वाला, तो एग्जीबिशन या कुछ ऑनलाइन पे तभी तो मिल जाता है, तो हो सकेगा अगर सेम टू सेम मिले तो मैं ऑनलाइन पे लिंक दे दूंगी आपको। हाँ, किसी ने पूछा था मैत्री इसका लिंक देना है, अगर इसका लिंक मिले तो देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस टाइप का पतला वाला ना मिलता नहीं है, कॉटन का मतलब एकदम कॉटन का है इस तरह से। और ये वाला निकाल के रख दिया, इधर ही रखूँगी ना तभी याद रहेगा, आके कर लेते हैं। अरे रखना भी है तो सुंदर तरीके से, अरे नहीं तो बिखरा अजीब लगता है। ये भोंदू का ड्रेस चेंज करना है इसीलिए निकाल के रखा था कल, ये जूटी का ही है शायद, तो ये वाला अभी तो फिलहाल ये वाला ड्रेस पहना है। भोंदू को पिंक पहनाते हैं, थोड़ा गर्ल बनाते हैं, भोंदू गर्ल है या बॉय है ऐसा ऐसा लगेगा। हाँ, आज हैप्पी फादर्स डे, चाय बनाते हैं, मैं वीडियो एडिट करके रिलीज करने का वो सब चल रहा था। सफेद सफेद चाय क्यों है, थोड़ा कड़क वाला चाय होना चाहिए ना, गरम पानी भर के रखा है, इसको गरम करना है तभी उसका चाय गरम रहता है। नीचे आग लगा दो, सबसे सुंदर है, आग लगा के पियो। हाँ तो वैसे इतना गरम कौन पीता है भाई, पेट गरम हो जाएगा, गर्मी में गर्मी काटता है क्या। शांतनु बोलते आज शांतनु को गर्मी लग रहा है, मैंने चारों तरफ खिड़की दरवाजा खोल के रखा है। सुबह में ठीक था, वो तो हो गए ना, वो तो गर्मी, अभी बारिश जब तक पूरा कंप्लीट ना हो तब तक गर्मी होगा, बारिश में बारिश होगा, सर्दी में सर्दी होगा। हाँ, लेकिन हम लोग हम जाएंगे कि गर्मी में ठंडी हो, ठंडी में गर्मी हो, बारिश में बारिश ना हो, नहीं बीचों बीच वाला वेदर जो होता है ना। छुट्टी का चल रहा है, नहा लिया, पूरा सर धोया है आज, अब पूरा ही सर धोगा, आधा सर तो नहीं धो सकते, लेकिन ऐसा बोले में मजा आता है। और पूरा तरबूज, आधा तरबूज काट के खा रही है सुबह सुबह। संडे हैप्पी वाला फादर्स डे, रुको रुको पॉज, आप सबको हैप्पी फादर्स डे। हाँ, आप सबको हैप्पी फादर्स डे, सारी फादर्स को बहुत खुश रखे, हैप्पी रखे, फादर्स को फादर्स डे बोले। हाँ, हेल्दी रखे, स्ट्रेंथ दे, क्या खुश रखे, खुश रखे, स्ट्रेंथ दे और हैप्पी रखे। ये देखो केक का ऑर्डर चल रहा है, इसी वजह से पहले पहले खाना खा ले, उसके बाद केक का ऑर्डर करेंगे। ब्रेकफास्ट में कुछ और खाना नहीं चाहिए था, ये ब्रेड और चाय। चलो एंजॉय। इसका जो प्लांटर है वो मैंने दूसरी जगह पे यूज कर दिया, कल मैंने एक स्नेक प्लांट लाई, ये देखो यहाँ पे, तो स्नेक प्लांट रखने से ना अच्छा नींद भी आता है, ऑक्सीजन देता है शायद इस वजह से। शांतनु के लिए यहाँ पे रखा है, ऑक्सीजन ज्यादा देगा, ऐसे लाया था तो मैं सोचा चलो इधर। शांतनु का इधर पूरा खाली रहता है, कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक फोटो और इसमें कपूर दिया रहता है, तो कपूर का खुशबू भी कभी कभी अच्छा लगता है। ये चार्जर वगैरह ये तो सारा रहेगा, ये रहता है, ये मेरा भोंदू रहता है, भोंदू सोया हुआ है, इसलिए स्नेक प्लांट का जो प्लांटर था ना वो इधर था, तो उसको उधर यूज कर दिया, तो इसको ये इधर नहीं रहता था, इसके जगह पे उसको पहुँचाते हैं। जीजी प्लांट लाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है वो कल अच्छा बड़ा वाला नहीं मिला। दे जो बाल्टी है ना, बाल्टी प्लांटर हिसाब से काम करूंगी, अच्छा लगेगा ना, इसीलिए मैंने लिया भी था। Like giving you the things you asked before, and I know I was wrong. ये
सर्दी का मौसम चल रहा है कि समर पे है, स्वीटी समर पे धूप सेक रही है। सोचो आप लोग तो सर्दी में धूप सेकते हो, स्वीटी समर पे धूप सेक रही है। 4 बज रहा होगा, सनसेट का मजा ले तो थोड़ा सा, मतलब धूप ही जरूरी है ना एनर्जी के लिए। और सारे नीचे बच्चे खेल रहे हैं, तो स्वीटी यहाँ पे आके बैठ के खाना खा रही है अब ये गर्मी में। और यहाँ पे एक छोटा वाला जो प्लांट है ना, इसको सांतनु ने आज थोड़ा पीला पीला हो गया था, काटा है इसको। यहाँ पे एक प्लांट तो रहना चाहिए, मैं बोला ये पानी पे है इसीलिए, पीस लिली है पानी पे है, तो इसमें बोला एटलीस्ट एक प्लांट तो रहे। पूरा देखो कुछ भी प्लांट नहीं रखा, यहाँ से सारे प्लांट हटा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लांट अच्छा नहीं ग्रो हो रहा था। अरे ये गर्म है पला, तू गर्म लग चुके एकदम। आज फादर्स डे में कुछ स्नैक्स खाया जा रहा है, दोपहर में तो दाल चावल सिंपल वाला खाया था। क्या है, क्या तू खा लिया? अच्छा वो तो ना, तो गर्मी में बैठ के खा लिया। ये क्या है? ये चिकन पिज्जा। अच्छा पिज्जा, पिज्जा में चीज कहाँ है? ठीक है, सोच लो प्राइस के लिए ठीक है। प्राइस के लिए ठीक है, 30 रुपए में इतना ही मिलेगा। एक होता है ना गार्लिक चिकन रोल, अच्छा काबुली चिकन। काबुली चिकन रोल क्या होता है? काबुल में बन के आते हैं, वहाँ का मसाला होगा शायद। स्वीटी ने केक ऑर्डर किया, उसके साथ ये सारे ऑर्डर किया, शांतनु खा के बताएगा। स्वीटी बोले कुछ तो स्नैक्स से स्टार्ट करते हैं हैप्पी फादर्स डे को। तूने क्या मैचिंग करके पैकेट ढूंढा है? अरे वही तो देख रही हूँ, एक ही कपड़े से बना के दिया गया वो मस्त। ये कहाँ से मिला तुमको पैकिंग? गिफ्ट दिया जा रहा है, शांतनु को पता चल गया, मस्त दिखा देगा। अच्छा है, रुको फोटो भी खींच लेते, रुको रुको। इंटरेस्टेड तो स्वीटी है ज्यादा, गिफ्ट उसका है उसमें। शांतनु हमें भी बर्थडे पे जो गिफ्ट मिलता है चॉकलेट, उसका एक या दो ही पीस हमको मिलता, बाकी कॉफी नहीं दिया। कॉफी क्यों नहीं दिया? फ्री में मिला वो भी डाल दिया। ये फ्री में मिला? हाँ ऑर्डर के साथ। अच्छा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, फ्री में आए गिफ्ट गया, फ्री में आए और जो भी है। असली गिफ्ट तो स्वीटी इंटरेस्टेड है, दिखा दिखा स्वीटी इंटरेस्टेड। स्वीटी है ये क्या है? देखा देखा, अरे बाबा क्या लिखा क्या है? टाइगर तेरा पप्पा बाबा, बाबा की सुंदर बाबा लिखे थे। बंगाली एक्चुअली सिटी को लिखना उतना आता नहीं है, थोड़ा सिग्नेचर क्या उसका, देखा डेट भी डाला तो सिस्टी, बांग्लादेश सिस्टी लिखते वाली ना, बंगाली में स्वीटी लिखना चाहिए। मम्मा पापा, अरे बंगाली छोटे बचपन में बहुत सिखाया था सब कुछ। इंटरेस्टेड स्वीटी है, परफ्यूम है, परफ्यूम जरूरत था। दिखाओ फोटो मेरे खींच। अरे दिखाओ ना, अरे सुंदर खुशबू कैसे पता चलेगा? सूंघ के पता चलेगा, चाट टाइप का है। अभी मत लगाओ रात को। लेकिन बॉटल बहुत सुंदर है भाई, तो सजा कर रख दूंगी मैं। सूंघ रही है तो आप लोगों को कैसे सुंघाई देगा? यूट्यूब उतना इम्प्रूव नहीं है, यूट्यूब में वो हो जाएगा ना उस दिन तो मस्त आएगा। वाह वाला नहीं, बहुत ही सावधानी से इन दोनों का समझ लो कौन सा बात बोल रहे हैं, कुछ भी बदबू की बातें चल रहे हैं। बहुत एडिटिंग हो गया, लेकिन लाइव में नहीं होना चाहिए। लाइव में बदबू की बातें चल रहे हैं, लेकिन किचन का खाने का खुशबू, खाने का खुशबू अभी आएगा। हाँ इन दोनों का लड़ाई देखो, लड़ाई चलते सोच रहे कि ओरिजिनल कैसा होगा। अगर लाइफ में इन दोनों का ही सोच में आ सकते, मैं तो सिर्फ भाग जाती, मैं भाग जाती। लेकिन उसमें साउंड नहीं है, बिना साउंड वाला होगा तो उसमें दर्शक इशा करेंगे कौन है। नहीं छोटे बचपन में होता था, सिटी स्कूल से आके बोलती थी किसी ने आज ना बहुत बदबू वाला कुछ तो किया था, क्या खाया था पता नहीं, ये बचपन का सब चीज है। सबसे अच्छा बोला, अच्छा सभी है, सभी तुम्हारा सभी बोलेगा वो, इसी वजह से आता करती उसका मुंह देखो। फादर डॉटर का जो रिलेशन होता है एकदम ही, क्योंकि स्वीटी को शांतनु ने पॉटी साफ किया, बेचारा का नैपी साफ किया। ये बेटी है, बेटी कितना भी बड़ा हो जाए, बुड्ढे भी हो जाए तो भी बेटी उतना ही छोटी रहेगी। लोगों का लोल मारा लाड़ो छोटे बचपन में पॉटी नहीं,
छोटे बचपन में 40 स्वीटी का सांतरू साफ करते थे, बचपन में डायपर चेंज करना वो सब दिन, देखो वो जितना भी बड़े हो जाए नींद से उठा के मतलब डायरेक्ट नहीं तो वो उठती नहीं थी और फिर वही पे बैठ बैठ के 40 कर नींद नहीं थी छोटे बचपन में सुबह में। अरे अब तो सुबह उतना 5 बजे उठती थी ना एकदम छोटे नर्सरी में। अरे भाई किसका था भाई उतना छोटे बचपन में किसका बेटी क्या मम्मी पापा के लिए कभी थोड़ी मतलब बड़ी होती है, जितना भी बड़ा हो जाए एज बड़ा हो जाता है, लेकिन जिसका 40 साफ किया जिसका डायपर चेंज किया। कल हम बातें कर रहे थे शांतनु ऐसा मतलब कलीना के जो घर था ये जो जगह दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 6-7 महीना का था, बोंदू के साइज उतना था स्वीटी के साइज। तो कल अचानक याद आया मतलब ऐसे बातें करते करते शांतनु सुलाते थे सुनो सुनो पहले क्या होता था मुंह से ऐसा आवाज निकलता था अगर चुप गया तो चलो ऐसे करके मतलब जो मुंह से आवाज ऐसा कर एक बार इधर फिर मतलब इधर से उधर मोटू छोटू था जैसे उतारते थे और रात 1 बजे मैं कभी कभार मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं उसको ज्यादा देर गोदी पे नहीं रख सकती थी क्योंकि थोड़ा मोटू छोटू हेल्दी थी शोल्डर। वो 1-1.5 बजे ऐसे ही मतलब काफी महीना चला था, वो रात को भाई जग जाती थी और नहीं सोती थी और ऐसे करके नहीं वो कुछ महीना का हुआ था वो शाम को सो लेती थी 7 बजे बस सो लिया उसके बाद शांतनु बहुत कष्ट करके शाम को जगा के रखती थी कुछ नहीं फिर भी आंखें उस पर बंद हो जाता ना छोटे बच्चे है 6-7 महीना का था। इतना चल के 1-1.5 घंटा वो भी रात को 1:30-2 बजे 2-2.5 बजे शांतनु सोते थे, सुबह में 6:30 बजे उठ के ऑफिस जाते थे। अरे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है वो सुबह में दिखा देना वो दिखाना भूल गए वो सो रहा है अभी इतना बड़ा गिफ्ट है ना उतना नहीं उतना उससे छोटा है वो सो रहा है तो स्वीटी बोला हाथ में लगाओ उसको। एक बच्ची कितना भी बड़ा हो जाए 20-25 साल 30 साल 40 साल का भी हो जाएगा लेकिन वो पापा के लिए तो वो ही छोटी वाली बच्ची ही रहेगी। स्वीटी कुछ बनाएगी जो पहली बार बना रही है ऑल द बेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और एक बार बना लिया तो पूरी जिंदगी बनाना। अगर ये बना लिया ना बहुत अच्छी तरीके से हाँ मैं सिखा दूंगी देखा तो है उसने लेकिन मेरा सबसे पहले कल से बोल रहे बहुत फेवरेट मेरा ये फूड है। हाँ डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं इजी भी बोल सकते हैं दोनों ही है और ये सबसे इंडियन कुजीन में सबसे चाहिए किसी का है जिसका ये फेवरेट नहीं है। हाँ आज मैं बना रही हूँ बिरयानी ऑल द बेस्ट बिरयानी खाया तो है बहुत बार आज तेरे हाथ का बिरयानी देखते हैं कैसे। हाँ चलो बनाते हैं। यहाँ पे मिक्सी में अनियन जिंजर और गार्लिक ले लिए इसको पेस्ट तेरा खजाना में राइस ही है सिर्फ चिकन ले लिया थोड़ा बड़ा बड़ा पीस बिरयानी कट अच्छा बिरयानी कट हाँ और इसमें भी डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर स्वीटी का पास चला था ये दिखा वाला पर्सन है देख के थोड़ा पूछ रही है उसको पता है मम्मी का ये दिखा वाला है। हाँ बस बस पापा ये बंगाली बिरयानी मसाला जो मम्मी ने ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर दिया कितना कितना देना चाहिए बता 2 चम्मच डाल दिए 2 चम्मच और थोड़ा सा लेना और हल्दी 1 चम्मच अथरा डालो अथरा अथरा हाथ लगा दे हाथ लगा 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 मिर्ची स्वीटी हाथ लगा देती है उसको हाथ से करना पसंद है लेकिन अब मिर्ची इसको अभी मिक्स कर अच्छे से मिक्स करना चेक किया कि सब ठीक हो रहा है। शांतनु बोल रहा था मैं और स्वीटी बनाते हैं मैं बोला सूट कौन करेगा तो तू कर देना। स्वीटी कुछ देर पहले ये ब्राउन अनियन को फ्राई करके रखा है प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर रही है। क्या है अंडा ओके और ये आलू अच्छा अंडा आलू तो चाहिए अच्छे तरह से हाथ तो धुबी हाथ अच्छी तरह से साबुन देकर धोना सारे पीस को अच्छे से मसाला लगना चाहिए। बाबा ये तो बाबा जी के जैसा कह रही है। स्वीटी क्वेश्चन है यहाँ पे भी तो इतने सारे ब्राउन अनियन है फ्लेवर है फ्लेवर जो ब्राउन अनियन जिसमें बनाया था जिस तेल में उसमें अभी डाल देना जो क्या मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड ऑयल उसमें अभी डाल देना है जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और प्याज का डाल देना भुनना स्वीटी
सिर्फ इतने बार बिरयानी देखा है, बिरयानी खाया भी है, थोड़ी मुखोश तो है। अभी मुखोश तो कर लो, रट्टा लगा लो बस, इसके बाद कोई नहीं सिखाने वाला। सबसे इजी लेकिन मैंने उसका वो मसाला बनाना। ये हो गया थोड़ा सा फ्राई, अच्छा हो गया कलर। अभी इसमें डाल देना जो मैरिनेटेड चिकन है, इसका भी थोड़ा हाई हीट में फ्राई करना है, लेकिन अभी सॉल्ट नहीं देना। उनो, उनो ठीक से। टेस्टी मस्त भून रही है, उनो बढ़िया से। ये अच्छी तरह से ब्राउन ब्राउन हो गया, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा है। क्यों किया जाता सूटी, क्यों किया जाता करने के लिए? हाँ, सब सीख गया सूटी। फटा हुआ दही देना है, अच्छी तरह से फेटा ना इसको। हाँ, डालो ऐसा ही फेटा हुआ दही देना। अभी तक तो सूजी बढ़िया बना रही है। और इसको अभी मिक्स करना है। यहाँ पे बासमती चावल ले लिए, और यहाँ पे 2 कप चावल लिए तो 4 कप पानी डाला है। दालचीनी, 4 लौंग और 4 इलायची इसमें डाल दे, और नमक डाल देना वो घर पे गई थी, चारों तरफ बंद है ना, तो उसके बाद अचानक आए, अचानक मतलब किसी और रूम से आओ ना तो, या किसी और का घर से आओ ना तो एकदम अलग से खुशबू आ रहा था। मैं बोला अच्छा आज तो अलग बिरयानी मिलेगा। मैं हमेशा तो आप लोगों के साथ बिरयानी बहुत टाइप का शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज स्वीटी का हाथ का बिरयानी मैं भी पहली बार खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी बनाना भाई देखो बता तो हम भी दे रहे, उसने देखा भी है, लेकिन प्रॉपर जब तक हाथ दे के ना करे ना तब तक कुछ सीखना नहीं होता है। इसमें नींबू का रस डाल देना ताकि चावल ना टूट जाए। मम्मी से सीखा है, कोई को डाल देते है, कोई को डाल देते है, बहुत अच्छा खुशबू आता है। डाल दे, डाल दे। इसमें 1 चम्मच घी डाल देना, दिखने में मस्त आ रहा है। चिकन ऑलमोस्ट कुक हो जा रहा है, उसमें भी सॉल्ट डाल देना। अच्छा सॉल्ट नहीं दिया था, सांतनु स्वीटी का चल रहा था, मैं भाग गई थी, क्योंकि सांतनु को खाना बनाना बहुत पसंद है, तो आज स्वीटी बोला नहीं नहीं आज नहीं बनाऊंगी। अंडा को बॉइल कर लिया, अभी इसको छीलना है। उसका रोलिंग पिन कैसा रोल कर रहा है? इजी होता है। आलू को भी प्रेशर कुकर में कुक कर लिया था, उसको भी छील लेना, और आलू को हाफ कर लेना। ओके। जब ये एकदम ऐसा टाइप का राइस हो जाएगा, इसको ढक देना और लो हीट में कुक करना है राइस को। ओके है ना? यहाँ पे राइस हो गया तो इसको भी अलग दूसरे जगह पे डाल के इसको भी ठंडा कर। चिकन ड्राई हो गया, अभी चिकन को दूसरे जगह पे डाल दें। अभी इसके अंदर राइस डाल देना, नीचे पहले नीचे कर लिया है ना। और अभी इसके ऊपर जो आलू बॉईल किया था और अंडा बॉईल किया, और अभी इसमें रोज वाटर डाल देना 1 ढक्कन, थोड़ा सा केवड़ा वाटर और कुछ ड्रॉप मीठा अटर डाल देना, इसके ऊपर बिरस्ता डाल देना, फ्राइड अनियन है ना। फिर इसमें जो आलू और अंडा था वो उसके ऊपर डाल देना, और थोड़ा सा सॉल्ट दे देना आलू के ऊपर, क्योंकि आलू में सॉल्ट नहीं है। और इसमें जो चिकन उठा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देना, अभी लेयर बन रहा है ना। चिकन के ऊपर वापस अभी बेरस्ता दे देना, इसमें फिर से रिपीट करना है रोज वाटर, केवड़ा वाटर और मीठा, इसके ऊपर फिर से राइस और बाकी सारा फिर से रिपीट करना, और लास्ट में दे देंगे शुद्ध देसी गाय का घी। यहाँ पे तवा को गरम कर लिया, अभी इसके ऊपर बिरयानी को डाल कर चढ़ा दे। इसको 15 से 20 मिनट अभी इसको दम पे देना, इंतजार करना है ना 15 से 20 मिनट। चलो अभी मुझे इतने टेक ओवर किया तो है ना, खुशबू कैसा, खुशबू तो मस्त आ रही है, मीठा तरह का स्मेल, मीठा तरह का खुशबू, बंगाली बिरयानी भाई। चलो अभी इसका हुलिया देखते हैं। हुलिया बंगाली बिरयानी में कलर नहीं डालते हैं, ऐसे फादर्स डे का गिफ्ट स्वीटी ने पहले से खरीद कर रखा था, तो आज अभी धो के अभी इस्तेमाल होगा। हेलो, सांतर को ब्लू पसंद है, ये ब्लूइश ग्रेइश टाइप का मेट्रो से लिया था, मतलब सिरेमिक का ही है। अरे वाह टाई, ये क्या है? शर्ट, ये शर्ट का पॉकेट। ओ अच्छा, ये पूरा शर्ट है, ये कॉलर टाई पॉकेट। ओके, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर।
बर्थडे बोला ठीक है ना दोनों को कर देना नहीं रहना था एक एक जलना लेकिन इसको फिर हटा दो पहले हैप्पी फादर्स डे टू यू तुम भी बोलो हैप्पी फादर्स डे डियर सांतोनो हैप्पी फादर्स डे टू यू अच्छा पॉकेट की जगह कटा नहीं उसको खराब नहीं किया चलो थैंक यू ये पहला निवाला सभी फादर्स के लिए सभी फादर्स के तरफ से मैंने काट दिया तो थैंक यू सो मच सभी फादर्स को फादर्स भी थोड़ा बहुत कुछ हम थोड़ा बहुत नहीं मेन है बैकबोन होता है भाई हमेशा कोई भी चीज में खुद का भी तारीफ करना चाहिए हमेशा दूसरे का भी नहीं क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ मतलब उससे आपको भी ग्रोथ अच्छा होता है इसलिए खुद का भी तारीफ किया करो तो इसलिए हम फादर्स भी थोड़ा बहुत कुछ तो कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा बहुत नहीं 50-50 फादर्स भी 50 मदर्स भी 50 अदरवाइज तो वो संसार का दो पहिया है ना गाड़ी साथ में चलना चाहिए फादर्स भी साइलेंटली बहुत कुछ करते हैं जो हमें उतना डेली बेसिस पे उतना दिखता नहीं है लेकिन जो करते हैं वो बैठ के गिनोगे ना तो वो मतलब काउंटलेस होता है फादर्स को ढेर सारे शुभकामनाएं सारे फादर्स को हेल्दी रखे हैप्पी रखे खुश रखे और स्ट्रांग बनाए ताकि सारे काम कर ले इजीली और ऐसे भी फादर्स बहुत स्ट्रांग होते भी आप लोग भी केक का टेस्ट ले लीजिए हाँ पीछा हुआ देखो थी हाँ करके बैठा हुआ है पप्पा को पहले खिलाना चाहिए ये बोले मैं खा लूँ पहले नहीं आज हाँ स्वीटी के वजह से फादर्स डे शांतनु के लिए तो स्वीटी का बर्थडे हो उस दिन लेकिन एक डे और सेलिब्रेट करने में मजा है केक खाने का बहाना अरे बिरयानी भाई याद रहेगा पूरी जिंदगी स्वीटी ने फर्स्ट बिरयानी बनाया फादर्स डे 2024 में सचो ये पूरी जिंदगी याद रहेगा अरे हमको भी खाना है भाई तुम लोग भी केक खा लिया हम केक के लिए वेट करते हैं अरे केक भाई जो भी है जो केक केक होता है मदर को भी खिलाएंगे ना मैं खिलाऊंगा ना तो टाई कैसा होगा खाने में चॉकलेट और ये अनियन विद चाट मसाला अंडा और आलू इज मस्ट उसके बिना तो अधूरा है ये तो मस्ट ही मस्ट है लेकिन राइस तो स्वीटी पहले भी बनाती थी राइस डेली बेसिस पे जो बनाती है ना स्वीटी बनाती है शाम के अगर चढ़ाना इसीलिए राइस खिला खिला होगा वो मुझे पता था क्योंकि बासमती राइस गोविंदो भग राइस डेली बेसिस पे जैसा बनता है ना तो बासमती भी वैसे ही बनता है Before you make up your mind that I'm nowhere to find I'm standing right here राइस कैसा बना है बता खुशबू तो मस्त आ रहा है अब हम और खा के बताते हैं मेरे घर पे बिरयानी शांतनु कभी नहीं बनाती टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है मैं बनाती हूँ पहले अच्छा बना है सुडी थैंक यू परफेक्ट थैंक यू अभी अच्छा है अभी सुडी अभी सीख गया हाँ अब आएगा मजा नहीं नहीं किसी दिन ऐसे बाहर हम दोनों जाएंगे सुडी बिरयानी बना सरप्राइज सरप्राइज देना हमें हाँ क्योंकि चलो खाते हैं नहीं बिरयानी में बहुत अच्छा बना है नहीं ऐसा मेरी बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ मेरे जैसे ही बनाया लेकिन बिरयानी में सबसे टफेस्ट जो जॉब होता है पहले पहले मेरा प्रॉब्लम होता था जिसमें राइस बिरयानी का राइस बनाना सबसे वो खिला खिला जब तक राइस ना हो तब तक वो प्रॉपर नहीं होता तो स्वीटी राइस डेली बेसिस पे बनाती है गोविंद राइस है या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाता वो अगर ट्रिक सीख गया तो बस वो भी इतना कम एज में मतलब मैंने इतना कम एज में बिरयानी नहीं बनाया 17 इयर्स में बिरयानी मैंने नहीं बनाया तो इसीलिए नहीं मैंने नहीं बनाया तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद मैं बना भी पाती या नहीं मुझे नहीं पता मैं स्पेशल रेसिपीज बनाती थी लेकिन बिरयानी नहीं बनाया था